नमस्कार दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब ऑटो वर्ल्ड आज हम लेकर आए भारत बंस पैंतीस तेईस आर बारह टायर ट्रक की डिटेल्ड रिव्यू फर्स्ट इसकी लुक देखे तो काफ़ी स्टाइलिश लुक ब्रॉस व्हीकल वेट पैंतीस पे टन पेलोड कैपेसिटी लगभग पच्चीस टन और इस ट्रक में दो वेरियंट्स बेस मॉडल के बिन टॉप मॉडल के बिन आज हम लेकर आए टॉप मॉडल के बिन के साथ भारत बंस की ब्रांडिंग क्रोम फिनिश में और भारत बंस के लोगों और उसका ग्रिल हनी पैटर्न में ग्रे कलर फिनिश में और साइड में कॉर्नर्स इससे हवा जल्दी से पास होगा और काफ़ी स्टेलिश भी दिखता है इससे बेहतरीन माइलेज मिल सकता है और इसका फ्रंट बोनट अनलॉकिंग के लिए दोनों साइड पुश पुष्टेप लॉक बोनट ओपन करने से सारे फ्लूड्स को इजीली चेक कर सकते हैं और इसमें क्लच ऑयल वाइपर मोटर और कूलेंट और विंडशील्ड वॉशर फ्लूड टैंक और इंजन ऑयल चेक करने के लिए गेज और उसका प्राइस छत्तीस लाख से अड़तीस लाख ऑन रोड प्राइस पैसा आधा डिटेस के लिए नीरस रूम को कॉन्टेक्ट करें और बम्पर में दो तरह का कलर ऑप्शन बेस मॉडल में ग्रे कलर टॉप मॉडल में वाइट कलर और इसका बम्पर थ्री पीस मेटल बम्पर बॉडी कलर्ड फिनिश के साथ टॉप मॉडल में और उसका हेडलैम्प ड्यूअल हाइड्रोजन हेडलैम्प और ऊपर टर्न इंडिकेटर और डी आर एल भी दिया है डे टाइम रनिंग लैम्प थ्री पीस बम्पर के नीचे सिंगल पीस में बम्पर उसमें एडिशनलीफॉगलम फिट करने के लिए प्लेस और रिफ्लेक्टर और इधर दो फुट स्टेप और हुक लगाने के लिए जगह और नंबर प्लेट के लिए प्लेस और विंडशील्ड सिंगल पीस लैमिनेटेड विंडशील्ड ग्लास और ऊपर सनवेजर और ग्लास को क्लीन करने के लिए डिवेल वाइपर वॉशर के साथ और दोनों साइड ग्रैब हैंडल और फ्रंट डिस्टेंस देखने के लिए प्रॉक्सी मिरर केबिन ऑप्शन दो तरह का स्लीपर केबिन कॉम्पैक्ट स्लीपर केबिन आप किस लोडिंग स्पेन पर ले रहे इसी चेंज होता है और वेरिएंट दो तरह का टॉप मॉडल बेस मॉडल आज हम लेकर आए टॉप मॉडल के साथ टॉप मॉडल में काफ़ी एडिशनल फीचर्स दिया है बेस मॉडल में कम फीचर्स और ब्लाइंड स्पॉट्स को कवर करने के लिए काफ़ी मिरर्स साइड ब्रांड स्पोर्ट मिरर साइड व्यू मिरर वाइड एंगल मिरर और ऊपर हाइट मार्किंग लैंप और व्हीलर स्पोर्ट टर्न इंडिकेटर और फ्रंट एक्सेल स्टेयरेबल टाइप केबिन में चढ़ने और उतरने के लिए दो फुट स्टेप स्टेयरिंग टाइप हाइड्रोलिक पावर असिस्टेंट स्टेयरिंग ब्रेक्स में न्यूमेटिक फुट ऑपरेटेड ड्यूएल लाइन ब्रेक्स विद ई फ्रंट एक्सेल आई एफ और एज अ स्टैंडर्ड फीचर एंटी रोल बर भी दिया है फ्रंट एक्सेल और ड्राइव एक्सेल पर फ्रंट सस्पेंशन पैराबोलिक स्प्रिंग विथ हाइड्रोलिक शॉक ऑब्जर्वर और टायर ऑप्शन दो तरह का रेडियल ट्यूब टायर ट्यूबलेस टायर और उसका फ्यूल फिल्टर और इस ट्रक में कोई कॉल ऑप्शन नहीं मिलेगा कंपनी केबिन के साथ कंपनी केबिन टिल्टेबल टाइप और टिल्टिंग के लिए हाइड्रोलिक जैक सिस्टम रेडियल ट्यूब टायर की साइज दो सौ पंचानवे नब्बे आर बीस अब इसमें ट्यूबलेस टायर अपोलो कंपनी की टायर कंपनी चेंज हो सकता है टायर साइज दो सौ पंचानवे अस्सी आर बाईस पॉइंट पाँच सोला प्लाई रेटिंग की ट्यूबलेस टायर टायर ऑप्शन में ट्यूब और ट्यूबलेस टायर एप्लीकेशन के हिसाब से चूज कर सकते हैं और इसका एड ब्लू टैंक साठ लीटर कैपेसिटी की और इसमें इक्यावन लीटर तक फिल कर सकते हैं और टिल्टिंग के लिए हाइड्रोलिक जैक सिस्टम और केबिन को एक व्यक्ति ईज़िली टिल्ट कर सकता है और केबिन को टिल्ट करने से इंजन मेंटेनेंस ईज़िली होगा और अभी केबिन ऑलमोस्ट टिल्ट हो, हो चुका है और इंजन का व्यू इंजन ओ एम नौ सौ छब्बीस सिक्स सिलेंडर इनलाइन डीजल बी एस सिक्स इंजन सी सी सात हज़ार दो सौ पावर दो सौ इकतालीस एच पी की दो हज़ार दो सौ आर पी एम पर और टॉर्क आठ सौ पचास न्यूटम मीटर की एक हज़ार दो सौ से एक हज़ार छः सौ आर पी एम पर और केबिन में हीट इंसुलेशन भी किया है केबिन के अंदर हीट ना हो इसलिए और क्लच तीन सौ पंचानवे एम एम के डायमीटर सिंगल ड्राई प्लेट हाइड्रोलिक कंट्रोल और गियरबॉक्स इम्प्रूवड जी पचासी सिक्स स्पीड गियरबॉक्स मैकेनिकली सिंक्रोमेस्ट गियर्स और ग्रेडेबिलिटी अठारह पॉइंट पाँच परसेंट और केबिन टेट करने के बाद इंजन को स्टार्ट और ऑफ करने के लिए स्टार्ट स्टॉप बटन इंजन के साइड में और उसका एयर फिल्टर और कट ऑफ स्विच बैटरी बारह वोल्ट की दो चौबीस वोल्ट एक सौ बीस की स्टैंडर्ड लोड बॉडी बनाने के बाद केबिन को टिल्ट किया तो बैटरी को निकल सकता है इससे चोरी होने की चांसेस कमी है और स्टीयरिंग ऑयल और फ्यूल टैंक मेटल टैंक दो ब्रैकेट के साथ फ्यूल टैंक कैपेसिटी 380 लीटर 355 लीटर तक फिल कर सकते हैं और माइलेज साढ़े चार से पाँच किलोमीटर प्रति लीटर यह माइलेज डिपेंड करता है कि किस रोड पर चला रहा है किए लोडिंग और चलाने के तरीके से माइलेज चेंज हो सकता है और इसका आउटलेट और सेंसिंग पॉइंट और भारत ब्रंस के ट्रक कनेक्ट टेलीमेटिक्स भी दिया है और इसका सेकेंड एक्सल लेफ़्ट एक्सल लेफ़्टसल वर्किंग के लिए ड्यूल बलून लेफ्ट एक्सल काफ़ी नीचे जाने से रुकने के लिए बेल्ट दिया है एक्सल कॉन्फ़िगरेशन एट बाई टू लोडिंग स्पैन तीन तरह का व्हील बेस ऑप्शन दो तरह का पाँच हज़ार सात सौ पचहत्तर एम एम छः हज़ार तीन सौ पचहत्तर एम एम और टर्निंग रेडियस दो तरह का इक्कीस पॉइंट छः मीटर तेईस पॉइंट सात मीटर अब किस व्हील बेस पर ले रहे इसे चेंज होता है और टायर ऑप्शन भी दो तरह का रेडियल ट्यूब टायर ट्यूबलेस टायर एप्लीकेशन के हिसाब से ले सकते हैं और थर्ड एक्सल ड्राइव एक्सल रियर एक्सल आई आर चार सौ चालीस डैश ग्यारह रेयर एक्सल रेशो फाइव पॉइंट एट सेवन फाइव और ट्रक की ओवरऑल चौड़ाई आठ पॉइंट एक फिट ओवरऑल हाइट नौ पॉइंट सात फिट और रियर सस्पेंशन बैलेंसर टाइप सेमी लिप्टिकल स्प्रिंग और रियर ड्राइव एक्सल पर स्टैंडर्ड फिटमेंट एंटी रोल बार और ग्रीसिंग पॉइंट्स को कम किया है और सस्पेंशन की व्यू और रियर ड्राइव एक्सल पर स्टैंडर्ड फिटमेंट डिफरेंशियल लॉकिंग और एंटी रोल बार और इसका फोर्थ एक्सल डमी एक्सल आई टी डैश टेन ग्राउंड क्लियरेंस दो सौ तेईस एम एम ये ट्रक काफ़ी हैवी दिया है इसे किसी भी तरह का एप्लीकेशन में चला सकते हैं इस ट्रक को और इसकी स्पेयर व्हील लोडिंग स्पेन तीन तरह का छब्बीस फीट, अट्ठाइस फीट बत्तीस फीट एप्लीकेशन और ज़रूरत के हिसाब से ले सकते हैं टॉप मॉडल में पावर विंडो एच वी हीटिंग वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग बैक कैमरा और अदर काफ़ी फीचर्स बेस मॉडल में बैक कैमरा नहीं मिलता है टॉप मॉडल में बैक कैमरा मिलता है और बैक कैमरा के व्यू और चीशस पर भारत बिन्स की ब्रांडिंग और टेल लैंप एल में और रियर बम्पर काफ़ी हैवी मटेरियल की चीस का डायमेंशन डेप्थ दो सौ छियासी एम एम वर्थ सत्तर एम एम थिकनेस आठ एम एम और केबिन में एज ए स्टैंडर्ड फीचर सीट बेल्ट रिमाइंडर म्यूजिक सिस्टम सेंट्रल लॉकिंग डी आर एल डे टाइम रनिंग लैम्प क्रूज कंट्रोल टिल तेल टेन टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग और अदर काफ़ी फ़ीचर्स और चीशस में कंपनी ने काफ़ी होल्ड्स किया है इससे चीस की वेट भी कम होता है और चीजिस की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाता है इससे लोड लोडबॉडी और अदर फिटमेंट के लिए फिटिंग करने के लिए आसानी होगा इस ट्रक में लेंथ ऑप्शन टायर ऑप्शन केबिन में बेस मॉडल टॉप मॉडल एप्लीकेशन और जरूरत के हिसाब से ले सकते हैं और मेन चेंज इसका साइलेंसर में ए टी एस आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम इससे फिल्टर होकर वातावरण में छोड़ा जाता है इसे कंप्रोजूशन होते हैं और रीजनरेशन प्रोसेस के टाइम में हाई टेम्परेचर पर काम करता है उसके लिए फुल पैकिंग कंपनी की तरफ से करके कर दिया है और केबिन के पीछे दो फिक्स्ड ग्लास एयर इनटेक की पाइप और एयर फिल्टर केबिन के नीचे और ड्राइवर कंफर्ट के लिए दोनों साइड सस्पेंशन और गेयर बॉक्स के व्यू सिक्स स्पीड गेयर बॉक्स और इसमें वेपको कंपनी की प्रेशर किट यूज़ किया है और सारे प्रेशर टैंक चीसिस के अंदर दिया है और इधर दो प्रेशर टैंक और प्रोपेलर शाफ्ट की जॉइंट सिंगल जॉइंट और लास्ट में एक प्रेशर टैंक और चेसिस में सारे क्रॉस नंबर को रिपीटिंग किया है और आगे एक प्रेशर टैंक के नीचे एक प्रेशर टैंक दिया है इधर भी और इधर भी छब्बीस फीट अट्ठाइस फीट के लिए स्लीपर केबिन बिन बत्तीस फीट के लिए कॉम्पैक्ट स्लीपर केबिन कॉम्पैक्ट स्लीपर केबिन में फोल्डेबल टाइप में स्लीपर बर्थ और केबिन के ओवरऑल व्यू व्हील आर्ट स्पोर्टर इंडिकेटर और केबिन में चढ़ने और उतरने के लिए दो फुट स्टेप ड्राइवर साइड डोर पर पैंतीस तेईस की ब्रांडिंग क्रोम फिनिश में और बारह सिक्स की ब्रांडिंग और डोर हैंडल साइड में की लॉक अनलॉक की प्लेस और साइड व्यू मिरर वाइड एंगल मिरर और हाइट मार्किंग लैम्प और अभी इसकी इंटीरियर व्यू देखेंगे और इसका डोर पैडिंग प्लास्टिक फिनिश में पीच कलर में इसमें रिफ्लेक्टर बॉटल होल्डर पेपर होल्डर और बेस मॉडल में ग्लास अपडाउन करने के लिए लीवर अनलॉकिंग और पुश किया तो सेंटर लॉकिंग होगा और ग्रैब हैंडल और कोई गाड़ी की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे बॉक्स में कमेंट करे जरूर लेकर आऊँगा और दोनों साइड ग्रैब हैंडल और ड्राइवर सीट एडजस्टेबल टाइप इन हेडरेस्ट के साथ काफ़ी कंफर्टेबल सीट और ऑप्शनली सस्पेंडेड सीट और सीट कवर्स भी अच्छी क्वालिटी की दिए भारत बेंस की ब्रांडिंग के साथ और डैशबोर्ड की व्यू ड्यूअल टोन कलर फिनिश में स्टेयरिंग फोर स्पोक एंड टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक पावर स्टेयरिंग स्टेयरिंग में बार्थबेंस की लोगो और हॉर्न की कंट्रोल और लेफ्ट साइड पर हेडलाइट टर्न इंडिकेटर वाइपर और हॉर्न की कंट्रोल टॉप मॉडल में एसी ऑप्शन बेस मॉडल में ब्लोअर ऑप्शन और उसके ए सी बेंट और क्रूज कंट्रोल की कंट्रोल्स और इनहेबिट की स्विच और नीचे हेडलाइट लेवलिंग के लिए कंट्रोलर और हेडलाइट की स्विच और एक्स्ट्रा स्विचेस फिट करने के लिए प्लेस ओ कनेक्टर और इसका पेडल्स इलेक्ट्रॉनिक एक्सीटर पेडल ब्रेक्स में न्यूमेटिक फुट ऑपरेटर ड्यूल एंड ब्रेक्स क्लच में हाइड्रोलिक कंट्रोल और टेल टेन टेलीस्कोपिक की लॉकिंग हेल्प बटन और एक्स्ट्रा स्विचेस फिट करने के लिए प्लेस हैंड ब्रेक लिवर और फायर एक्सटीबिशर सेफ्टी के लिए और ट्वेंटी फोर वोल्ट चार्जिंग सॉकेट और, और साइड में थिंग्स रखने के लिए प्लेस और इंस्ट्रूमेंटर क्लस्टर के साइड स्विचेस में फर्स्ट दो स्विच इंस्ट्रूमेंटर क्लस्टर कंट्रोल के लिए थर्ड स्विच डिफरेंशियल लॉकिंग के लिए फोर्थ स्विच लिफ्ट एक्सेल के लिए फिफ्थ स्विच पावर विंडो के लिए और इधर स्विचेस में एग्जॉस्ट ब्रेक की स्विच हज़ार लैंप की स्विच और क्लाइमेट कंट्रोल की स्विच और एच हीटिंग वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग की कंट्रोलर्स और ड्राइवर साइड पावर विंडो की स्विच और इसके गेयर नॉब सिक्स स्पीड गेयर बॉक्स और इसमें गेयर शिफ्ट एडवाइजर भी दिया है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में और बैक कैमरा की डिस्प्ले एडजस्ट भी कर सकते हैं और इधर सामान रखने के लिए जगह और लॉकेबल ग्लोबॉक्स को ड्राइवर सीट के नीचे और ऊपर केबिन लाइट कंपनी फिटेड स्पीकर और थिंक्स रखने के लिए प्लेस और कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम और इधर प्लेस और केबिन लाइट और ड्राइवर साइड सन वाइजर और सेटिंग कैपेसिटी ड्राइवर प्लस दो और को ड्राइवर सीट की व्यू और को ड्राइवर सीट में भी इनबिल्ड हेडरेस्ट के साथ और को ड्राइवर के लिए लेग सपोर्ट भी दिया है ओपनेबल टाइप में और को ड्राइवर सीट के नीचे लॉकेबल ग्लो बॉक्स और पीछे इसका स्लीपर बर्थ और पीछे और साइड में फिक्स्ड ग्लास और इस ट्रक के साथ कंपनी ने कर्टन्स भी दिया है स्लीपर बर्थ को सेपरेट करने के लिए सिर्फ भारत बिन से दे रहा है कर्टन्स कंपनी के बिन के साथ और अदर काफ़ी फीचर्स दिया है इस ट्रक में और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिजिटल प्लस अनलॉक लेफ्ट साइड पर एडब्लू और फ्यूल लेवल ऊपर स्पीड राइट साइड पर आर पी एम और प्रेशर गेज ऊपर और नीचे वार्निंग लाइट्स एम आई डी में न्यूट्रल टेम्परेचर ओडोमीटर टाइम माइलेज और अदर काफ़ी फंक्शंस और सेट करने के लिए दो बटन्स साइड में और कीस में टोटल पाँच की तीन कीस इग्निशन की और दो कीस एडब्लू टैंक की और चैनल को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है चेक कर सकते हैं और कोई गाड़ी की इन्फॉर्मेशन चाहे तो नीचे कमबॉक्स में कमेंट करें और इस ट्रक के इन्फॉर्मेशन अच्छे लगे तो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें नीचे कमबॉक्स में कमेंट करें थैंक यू